ईसाई समुदाय के लिए गुड फ्राइडे का विशेष महत्व है। इस बार गुड फ्राइडे 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। गुड फ्राइडे को कुछ लोग होली फ्राइडे कहते हैं तो कुछ लोग ग्रेट फ्राइडे कहते हैं। अलग अलग देशों में गुड फ्राइडे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए ईसाई धर्म के लोग इसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं गुड फ्राइडे से जुड़ी कुछ मान्यताएं। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समुदाय के गुरु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसके 3 दिन बाद ही वो जिंदा उठे थे, जिसके बाद ईस्टर संडे मनाया जाता है। हालांकि गुड फ्राइडे को ईसाई धर्म के लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर रहता है कि जिस दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन को गुड कैसे कहते हैं। दरअसल ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ मान्यताओं के अनुसार ईसा मसीह ने मानवता की भलाई के लिए अपनी जान दी थी। इस कारण इसे प्रेरणा स्तोत्र के तौर पर गुड फ्राइडे कहा जाता है। उनका आचरण धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन को उनकी कुर्बानी दिवस के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन चर्च में लोग काले कपड़े पहनकर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग भी इस दिन चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब अत्याचारियों और पापियों ने मिलकर उन्हें बहुत पीड़ा दी थी। सूली पर चढ़ाने से पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया था। इतने पर भी उनके मुंह से आखिरी वक्त में यही शब्द निकले, हे ईश्वर इन्हें क्षमा करें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु को 6 घंटे तक सूली पर लटकाया गया था। ईसाई धर्म से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक जब उन्हें सूली पर लटकाया गया था तो आकाश में अचानक से अंधेरा हो गया था, बिजली चमक रही थी। इसीलिए गुड फ्राइडे के दिन चर्च में कोई समारोह नहीं होता, बल्कि केवल प्रार्थना सभाएं होती हैं। बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु अपनी मौत के 3 दिन बाद जीवित हो गए थे। जिस दिन वो जीवित हुए उस दिन रविवार था, इसीलिए पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे के बाद पड़ने वाले रविवार को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समुदाय के लोग प्रसाद के रूप में गर्म मीठी रोटियां भी खाते हैं। इस दिन लोग चर्च में घंटियां नहीं बजाते हैं, बल्कि प्रभु ईसा मसीह से स्पेशल प्रेयर करते हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।